जमशेदपुर छात्र संघ ने कोल्हान विश्वविद्यालय शाखा कार्यालय में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। छात्र संघ का आरोप है कि वे पीजी सेमेस्टर 2 के छात्र हैं, अभी एग्जाम का फॉर्म ही भरा जा रहा है और विश्वविद्यालय की ओर से एग्जाम की तारीख घोषित कर दी गई है, जिससे छात्रों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाया है। इतने कम समय में छात्र एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे? सहयोगी रंजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी रंजीत, आपसे जानना चाहेंगे कितना वक्त छात्रों को मिला अचानक से, जिसके बाद वे सड़कों पर उतरे हुए? आपको बता दें कि अगले माह ही फर्स्ट वीक में ही इनके तारीख की घोषणा कर दी गई है विश्वविद्यालय की ओर से, जिससे छात्र काफी नाराज है और वे जो साक्षी स्थित शाखा कार्यालय है कोल्हान विश्वविद्यालय का, वहां पर जाके, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना था कि इनको विश्वविद्यालय के कुलपति से नहीं मिलने दिया जा रहा है क्योंकि इनके पास वक्त कम है। और इनको यह भी उन्होंने कहा कि जब हमारे पास वक्त कम है तो हम अभी फॉर्म ही भर रहे हैं, तब तक हम परीक्षा की तैयारी कैसे कर लेंगे और कैसे एग्जाम देंगे। तो कहीं ना कहीं इनको एग्जाम में मने पुअर नंबर आएगा, इसको लेकर के इन्हें नाराजगी है। रंजीत, रंजीत आपसे ये जानना चाहेंगे एडमिशन इन्होंने कब लिया था? क्या ये जो तारीख है ये अभी अभी इनका एडमिशन हुआ और अभी ही ये तारीख घोषित की गई है, या फिर इनका नामांकन हो चुका है? परीक्षा की तिथि जो है वो आनन फानन में निर्धारित की गई है, जिसके विरोध में ये छात्र सड़कों पर उतरे हुए। ये पीजी 2 का एग्जाम है, पार्ट 2 का एग्जाम होने वाला है, और लेकिन जिसके लिए ना फॉर्म जो होता है वो जो एग्जाम फॉर्म होता है वो अभी मैंने फिलअप भी किया जा रहा है छात्रों की ओर से, लेकिन उसके बीच में ही जो जो एग्जाम का डेट जो घोषित कर दिया गया उससे छात्र नाराज है। तो पर कहीं ना कहीं रंजीत, नामांकन के बाद जब फॉर्म बच्चे भरते हैं तब तक तो कुछ वक्त बीत ही जाता है, अब उसके बाद अगर तारीख निर्धारित कर दी गई है तो भी नाराजगी है, तारीख निर्धारित न की जाए तो भी छात्रों की नाराजगी होगी। ऐसे में छात्रों को भी थोड़ी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि आपने दाखिला लिया, आपने नामांकन ले लिया और अब जब आप परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए आए तो जाहिर तौर पर आपने तैयारी की होगी, और उसके बाद अगर तारीख निर्धारित कर दी जाती है तो उसमें तो खुश होना चाहिए, वक्त आपके बचेंगे, आप जल्दी आगे भी बढ़ेंगे, तो ये तो एक बेहतर निर्णय भी एक तरह से कह सकते हैं। हालांकि यहां पर प्रबंधन को भी सोचना चाहिए था कि छात्रों को थोड़ा वक्त दिया जाए, पर कहीं ना कहीं इसमें दोनों ही खेमों की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती नजर आती है। हमारे सहयोगी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।